क्या है स्नेक वेनम को एज अ ड्रग यूज करने के पीछे की सच्चाई और उसके पीछे की साइंस। ये हमारे टीन एज में इतना फेमस क्यों होता जा रहा है, इसके क्या बॉडी में नुकसान है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे जरूरी क्या वाइल्ड लाइफ को यानी स्नेक को भी इसका कुछ नुकसान होता है, इन सारी चीजों को आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर एक दिन इसके दोस्तों ने इसको बताया स्नेक बाइट्स के बाद। पॉपी प्लांट बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, ये खेतों में होता है। स्नेक बाइट के 3 से लेकर 4 हफ्ते तक उसको अपने बॉडी में बहुत अच्छा महसूस होता था। सांप के सर पे जोर से करके ऐसे थप्पड़ मारा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी एक 33 साल के लड़के की है जो कि एक गांव से बिलोंग करता है। 15 साल से लड़का अलग अलग प्रकार के नशे यूज करता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 18 साल की उम्र में ही इसने सिगरेट्स और अल्कोहल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था और 24 साल तक ये अल्कोहल और सिगरेट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टबैको का ही इस्तेमाल करता रहा। लेकिन फाइनली 25 साल की उम्र में आते आते इसने सबसे पहले ट्राई किया ओपियम को। ओपियम क्या होता है मैं अभी इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए आप इसको एक प्रकार का ड्रग मान सकते हो जो कि नेचुरली हमें एक पेड़ जिसका नाम है पॉपी प्लांट वहां से मिल जाता है। फिर अगले 1 साल तक ये इस प्रकार के नशे करता रहा। ऐसा नहीं है कि इसने इन सारे नशों को छोड़ने की कोशिश नहीं की, इसने ऐसा ट्राई किया लेकिन 1-2 महीने के बाद ये कोलैप्स हो गया। इसकी बॉडी को वो दोबारा चाहिए था और ये उसका एडिक्टिव हो गया। इन सारे अलग अलग प्रकार के नशों की वजह से इसके पास फैटी लिवर, बॉडी डिसफंक्शनिंग, अलग अलग प्रकार की बीमारियां इनके अंदर जागी। और फिर एक दिन इसके दोस्तों ने इसको बताया स्नेक बाइट्स के बारे में कि कैसे स्नेक बाइट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है ओपियम की जगह पे। अब आप ये सब तो जानते हैं कि गांव में सांप कितने कॉमन है और वहां पे ओपियम का एक चीपर वर्जन यानी सस्ता रूप था स्नेक बाइट। और फिर क्या था, उसने अपने दोस्तों के साथ स्नेक बाइट लेना शुरू कर दिया, शायद कोबरा जो कि इस पेपर में बताया गया है। उस लड़के ने खुद बताया कि स्नेक बाइट के बाद उसकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाया करती थी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाया करता था और कभी कभार वो बेहोश भी हो जाया करता था और 1 घंटे तक उसको कोई सेंस नहीं रहती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानने वाली ये थी कि स्नेक बाइट के 3 से लेकर 4 हफ्ते तक उसको अपने बॉडी में बहुत अच्छा महसूस होता था, ऐसा लगता था कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक है। लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद उसकी बॉडी को वो दोबारा चाहिए था। 3-4 हफ्ते के बाद वो दोबारा अपने दोस्तों के पास जाता है, दोबारा से स्नेक बाइट लेता है, 1 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। फिर उसकी बॉडी में 3-4 हफ्ते तक अच्छी वाइब्स आती है, उसको लगता है कि सब कुछ उसके शरीर में ठीक चल रहा है और फिर 3-4 हफ्ते के बाद उसको स्नेक बाइट दोबारा चाहिए होता है और ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उस बच्चे ने यह भी बताया कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं जो ये स्नेक बाइट करवाते हैं, ये सिर्फ अपने करीबी और जानकार लोगों को ही ये स्नेक बाइट करवाते थे और ऐसा कोई एक केस नहीं है हमारे पास। अगर आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, 1990s में ये सबसे पहला केस सामने आया। और बड़ी कमाल की बात ये कि ये स्नेक बाइट किए क्यों गए, तो आंसर है बस हाई होने के लिए। अगर आपको नहीं पता हाई होने का मतलब, तो सिर्फ नशे के लिए। एक और केस देखने को मिला 2011 में और एक्स्ट्रा किक के लिए ये केस किया गया कि बस उसको अपने जीवन में कुछ अलग चाहिए था। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है आज के टीनेजर्स के लिए। फिर 2013 में एक और केस सामने आया जहां पे इंसान अपने काम को लेके ओवर स्ट्रेस था और उसने ऐसा किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंसान के मल्टीपल केसेस भी आए। 2015 की अगर बात करें तो अगेन यहाँ पे हाई होने के लिए और अगेन हाई होने के लिए और अगेन हाई होने के लिए, यानी कि फिर ये धीरे 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 इंक्रीज होता गया जस्ट नशे के लिए। और ये केसेस आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये स्नेक बाइट जो है वो रेव पार्टीज यानी कि ऐसी पार्टीज जहाँ नशे ड्रग्स चलते हैं उन तक पहुंच गया है। और आज यानी कि 2024 की अगर बात करें तो हमारे पास अनगिनत केसेस स्नेक बाइट के क्यों हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो गांव जैसे एरिया में स्नेक बाइट बहुत ज्यादा इजी वे है एक प्रकार से नशा करने का। कोई रेगुलेशन नहीं है, खेतों में जाना है, सांप को पकड़ना और उससे अपना को कटवाना है, तो ये एक बहुत कॉमन तरीका होता जा रहा है गाँव में। और धीरे धीरे ये जो तरीका है ये शहर में भी आता जा रहा है। बहुत सारी रेव पार्टीज, बहुत सारी जगहों पे स्नेक बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि ये बहुत इजी और चीपर वे है तो इसलिए इसके केसेस दिन पर दिन आज की डेट में 2024 तक आते आते बहुत ज्यादा बढ़ गए। एंड सबसे बड़ी बात, जो भी ये कर रहा है उनके पास कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है। कितने लोगों की जान गई होगी, कितने लोगों की जान जा सकती है, इसका भी एग्जैक्ट कोई डेटा हमारे पास अभी तक फिलहाल नहीं है। अब वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले हमें समझना होगा कि ओपियम क्या होता है। तो बेसिकली ओपियम एक नेचुरली अकरिंग ड्रग है जो कि एक प्लांट से निकाला जाता है, जिसको हम पॉपी प्लांट भी कहते हैं।
पॉपी प्लांट बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, ये खेतों में होता है और इसमें से हम ओपियम निकालते हैं। ओपियम एक्चुअली में हमारे बॉडी में जाके हमें ऐसा महसूस करवाता है कि हम लोग ठीक हैं। ये एक्चुअली में स्लीप जो है वो इंड्यूस करता है, पेन को कंट्रोल करता है और एक प्रकार से इसको एज अ ड्रग, इसको मेडिसिनल यूज में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोगों ने इसको एज अ ड्रग भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ओपियम जो कि पॉपी प्लांट से नेचुरली अकरिंग होता है, लेकिन उसी से एक वर्ड आया ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होता है? बेसिकली ये ओपियम ही है या फिर उसका मिमिक्ड कंपाउंड है। यानी कि जैसे ओपियम जो ड्रग है वो तो नेचुरली निकाला जाता है, लेकिन ओपियोइड जो इनको आर्टिफिशियल लैब में भी बनाया जा सकता है। अब जो स्नेक वेनम होता है वो एक्चुअली में ओपियोइड जैसा ही एग्जैक्टली बिहेव करता है। ये भी हमारी बॉडी में जाता है, हमारे न्यूरॉन सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। बेसिकली हमारे बॉडी के सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाते हैं और इससे हमारे बॉडी को एक अलग फीलिंग होती है, जैसे कि ड्रग्स लेने पे फीलिंग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस फॉलो कैसे किया जाता होगा। तो अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ गेटिंग अ स्नेक बाइट, तो स्नेक बाइट कैसे लिया जाता है उसके बारे में बात करें। रिसर्च पेपर में पूरा प्रोसेस बताया गया है कि स्नेक्स आर हेल्ड नियर द हेड एंड ऑफ द स्नेक, यानी कि स्नेक को उसके हेड से पकड़ लेते हैं, सांप के सर पे जोर से करके ऐसे थप्पड़ मारा जाता है ताकि उसे गुस्सा आए और वो अपना जहर निकाले। कभी कभार हाथ से, कभी कभार किसी आइटम से उसको मारा जाता है। इंसान के इंडेक्स फिंगर या फिर उसके पैर पे कम अमाउंट ऑफ जहर निकाला जाता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ जहर निकल गया तो आप सबको पता है कैसे जानलेवा हो सकता है। एंड इसके बाद यही काम आगे लिप्स पे, टंग पे या ईयर लोब पे। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ब्रेन से दूर इसको इंजेक्ट करवाते हैं तो उसको ब्रेन तक जाने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब एक इंसान इसका आदी हो जाता है मेरे हिसाब से, तो फिर उसको जीभ पे या फिर उसके कान के पास या उसके होठों पे ये कटवाया जाता है ताकि ब्रेन तक इसका इफेक्ट जो है वो जल्दी पहुंचे। आप सुन के ही समझ पा रहे होंगे कि ये कितना जानलेवा और हानिकारक हो सकता है। अब जो प्रेफर्ड स्नेक्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो यहाँ पे कोबरा किया जाता है, बट साथ ही साथ रैट स्नेक्स हो गए, ग्रीन स्नेक्स हो गए, इन सब का भी इस्तेमाल साथ साथ किया जाता है। अब क्योंकि स्नेक वेनम एक्चुअली में हमारी बॉडी में जाके हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ खेलता है, तो ये क्या क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के साथ खेल रहा है तो सबसे बड़ा कॉज जो ये आपकी बॉडी में कर सकता है वो है हमारे पास पैरालिसिस। साथ ही हमारा ब्रेन हैमरेज भी कर सकता है, पूरी बॉडी कोलैप्स हो सकती है, इररिवर्सिबल किडनी डिजीज कर सकता है, यानी आपकी ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जो वापस से ठीक नहीं हो सकती है, एंड अगेन परमानेंट डिसेबिलिटी भी कर सकता है। और अगर वेनम का अमाउंट आपकी बॉडी में ज्यादा चला गया तो ये आपकी जान भी ले सकता है। अब ये तो मुझे लगता है सभी को पता है कि जो सांप का वेनम है, स्नेक वेनम है, वो हमारे बॉडी के लिए कितना जानलेवा या नुकसानदायक साबित हो सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। बट क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर हम सांप का वेनम आर्टिफिशियली उनसे लेते हैं या फिर सांप का वेनम हम लोग रिपीटेडली उससे निकालते रहेंगे तो क्या उसकी लाइफ में भी कुछ नुकसान है? सांप को अपना खुद का वेनम बनाने में समय लगता है। वो वेनम काम कहाँ आता है? वो वेनम काम आता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए और सबसे जरूरी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी, साथ ही साथ अपने आप को खतरे से बचाने के लिए भी। अब अगर हम लोग इस बात पर थोड़ा नोटिस करें, अगर मैं एक सांप के वेनम को आर्टिफिशियली निकालता रहूंगा अपने फायदे के लिए, नशों के लिए, तो क्या सांप यानी हमारी वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होगी? क्या वो खाना खा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा? और एंड दैट इज वाई ये एक बहुत बड़ा पनिशेबल ऑफेंस भी है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा दंडनीय अपराध भी है, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ के साथ खेल रहे हो एंड अगेन नशा तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो अगेन ये एक अपराध तो है ही है। यानी कि स्नेक वेनम इंसान के लिए तो जानलेवा है ही है, लेकिन उनको आर्टिफिशियली निकालने से हमारी वाइल्ड लाइफ भी बहुत बड़े स्केल पे अफेक्ट हो रही है, जो कि घूम फिर के वापस से इंसानों के ऊपर ही आएगा, ये सब आप लोग जानते ही हैं। अब कमाल की बात यह है कि जब भी कोई इंसान सबसे पहली बार कोई भी प्रकार का नशा ट्राई करता है तो वो उसने खुद से नहीं किया होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां कहीं ना कहीं उसके दोस्त जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक छोटा सा मकसद ये है कि आप सब जब भी ऐसे किसी एनवायरमेंट में हो तो जल्दी वहां से बाहर निकलें और ऐसे दोस्तों से बहुत ज्यादा दूर रहें। और अगर आपके मन में कभी भी ये सब कुछ भी करने का ख्याल आए तो बस अपने माँ बाप की शक्ल जो अपने सामने ले आना और अपना भविष्य देख लेना कि कहाँ पे आप लोग जा रहे हो, कहाँ पे नहीं। क्या आप लोगों ने सपने देखे थे अपने माँ बाप को वहां से बाहर निकालने के लिए? मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा यूथ है, मैं इस चैनल पे बहुत बार इन सब चीजों के ऊपर सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, अल्कोहल वीडियोस बना चुका हूं। और सिर्फ मकसद ये होता है कि जो टीनेज है उनको समझाना, उनको बताना कि ये सब कितना नुकसानदायक, जानलेवा हो सकता है। और सिर्फ हम लोग ये चीजें शो ऑफ के लिए करते हैं, कई लोग कूल बनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और मेरे हिसाब से वो लोग कूल नहीं होते हैं, वो लोग नामाकूल होते हैं। तो स्वस्थ रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें, माँ बाप के सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच।